नमस्कार, प्रणाम, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे, आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज का विषय है शहर में लगे हुए बड़े बड़े होर्डिंग, जिसमें प्रधानमंत्री से ये मांग की गई है या मांग करने का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि लोग पोस्टकार्ड के जरिए प्रधानमंत्री से यह मांग करें कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। प्रधानमंत्री को देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक मुहिम रायगढ़ में चलाई जा रही है। कुछ लोग इस मुहिम को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, कुछ लोग इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, दूसरे राजनीतिक दल इसको अपने अपने नजरिए से देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस होर्डिंग पर चर्चा करें, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर के। हिंदू राष्ट्र की मांग अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाई है, लेकिन सबसे पहले ये जानें ये हिंदू शब्द आया कहां से, इसकी शुरुआत कब हुई और कब से यह प्रचलन में आया है। इतिहासकारों की माने तो सबसे पहले 11वीं सदी में अलबरूनी ने हिंदी शब्द का उल्लेख अपने पुस्तक तहकीके हिंद में किया है। इससे पहले के जितने भी यात्री आए हैं या जो विदेश से यात्री आकर के पुस्तक लिखे हैं, मेगास्थनी से लेकर के ईत सिंह, ह्वेनसांग, जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने न तो हिंदू शब्द की चर्चा की है, न ही हिंदू धर्म की, न ही ब्राह्मण धर्म की, न ही वैदिक धर्म की। इस तरह की कोई चर्चा किसी के भी यात्रा विवरण में हमें नहीं मिलता है। इसको लेकर इतिहासविद बहुत ज्यादा उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद हैं। कोई इसे 5000 साल पुराना धर्म कहता है, कोई इसे 1000 साल के भीतर में बना हुआ धर्म भी कहता है। इसको लेकर के मतभेद हैं, सबके अपने अपने तथ्य हैं, सबके अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार देश में हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के एक अलग तरह का माहौल बनाया गया है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब भारत में आई तो ये कहा गया, हिंदू धर्म के लिए जो माहौल बनाया गया, एक धार्मिक ध्रुवीकरण किया गया, उसी के रथ पर सवार होकर के नरेंद्र मोदी भारत के सत्ता में आए। अब ये चीजें अलग अलग जगह से अलग अलग तरह फैल रही हैं और हर जगह इस तरह की मांग उठाई जा रही है। धार्मिक जो लोग हैं, प्रवचन करने वाले लोग हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म से भी कई बार कई लोगों ने इस तरह की मांग उठाई है। राजनीतिक प्लेटफॉर्म से भी इस तरह की मांगें उठती रही है, लेकिन ज्यादातर वो प्लेटफॉर्म RSS या भाजपा से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अब हम बात करें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के बारे में, जहां पर भाजपा नेता शक्ति अग्रवाल ने पूरे शहर में होर्डिंग लगाई है और एक पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की है, जिसमें प्रधानमंत्री से ये मांग की जाएगी कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। हमारे साथ अभी मौजूद हैं शक्ति अग्रवाल, भाजपा नेता। जय श्री राम। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। जी भाई, आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभियान है, इस अभियान का मकसद क्या है। सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम। और हिंदू राष्ट्र की जो मांग है, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और एक लीगली इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जो मांग उठाई जा रही है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी को हम एक पोस्टकार्ड लिख रहे हैं और हम उनसे अपील कर रहे हैं, सभी हिंदू अपील कर रहे हैं कि इसे एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य राजनीतिक है, धार्मिक है, सामाजिक है? उद्देश्य इसका सच हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे ये है कि भारत को एक विश्व में मोदी जी के आने के बाद एक अलग पहचान मिली है और आज भारत जिस ऊंचाई पर है, आज G20
का यहाँ पे अध्यक्षता हो रहा है, और बाकी जो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी यूएन का एक परमानेंट सदस्य बनने वाला है, वो सब देखते हुए आज जो भारत की स्थिति है, तो एक एक हिंदू राष्ट्र बनने से जो सांस्कृतिक पहचान या सांस्कृतिक एकता और भी जो लोगों में देखने को मिलेगी, हम उस चीज के लिए मांग कर रहे हैं ताकि ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ताकि एक आतंकवाद से छुटकारा होगा, एक भौतिक यहाँ पे एक पहचान मिलेगी भारत को। भारत के बारे में ये कहा गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस चीज को अगर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आज देखेंगे कि आप जो नेपाल, तो आज पूरे विश्व में 3 राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ हिंदुओं की बाहुलता है, और ऐसे 50 से अधिक राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ हिंदुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, और जिसमें 3 बाहुल है, उसमें एक भारत, एक मॉरिशस और एक नेपाल है। और कुछ साल पहले तक के नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, और ऐसा नहीं था कि वहाँ पे अल्पसंख्यकों को या दूसरे समुदाय के लोगों को परेशान किया जाता था। और भारत में भी आज 80% अगर हिंदू हैं, उसके बाद भी सब धर्म निरपेक्ष हैं, और यहाँ पे अगर मान लो हिंदू राष्ट्र घोषित होता भी है तो किसी दूसरे समुदाय को कोई परेशान करने के लिए यह मुहिम नहीं है, या हिंदू कभी भी वैसा नहीं चाहेगा कि दूसरे समुदाय को परेशान किया जाए। भाई वो अपना जो काम कर रहे हैं, उनकी जो पूजा है, उनके जो तौर तरीके हैं, वो कंटिन्यूएशन में रहेंगे। हम एक जैसे आज के जमाने पे आज हम देख रहे हैं, इतना 21वीं सदी होने के बाद भी आज रामनवमी का जुलूस निकलता है और हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है। हमारे पड़ोसी राज्य में अभी 2 दिन पहले की ही घटना है, जहां संबलपुर में पथराव किया गया सनातनियों के ऊपर हनुमान जयंती के जुलूस में। सब ये सब और कुछ पाबंदियां और भी है, बाहुलता होने के बाद अगर पाबंदियां है तो हम उस चीज के विरोध के चक्कर में, एक हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो हमें मतलब जो बाहुलता है उनको भी सहूलियत मिलेगी, और आगे वो अच्छे से अपने धर्म का प्रचार कर सकेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अभी तक जितने भी देश हैं जो खास करके इस्लामिक राष्ट्र, उनकी स्थिति ठीक नहीं कही जाती है, ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद, या नेपाल भी हिंदू राष्ट्र रहा कई सालों तक, उसकी स्थिति तो नहीं बदली, तो भारत की स्थिति कैसे बदल जाएगी? हिंदू राष्ट्र बनने पर मतलब कुछ ऐसा नियमवली में परिवर्तन नहीं आएगा जिससे अल्पसंख्यकों को तकलीफ होगी, कि कुछ ऐसे उनके राइट्स में चेंजेस आएंगे कि हिंदुओं के राइट्स में चेंजेस आएंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। बल्कि अगर मान लो हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो सभी कंधे से कंधा मिलाकर एक जो सांस्कृतिक और एक भौगोलिक पहचान भारत की जो एक अलग छवि बनेगी, वो भारत को मेरे को लगता है एक नए आयाम पर लेके जाएगी और भारत उसमें बढ़ेगा। आज देखेंगे कि वेस्टर्न देशेस भी जो है वो सनातन धर्म को अपना रहे हैं, आज सनातन धर्म को अपना रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हिंदू धर्म में ऐसा होगा जो वेस्टर्न लोग भी इस चीज को अपना रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन सब कोई अपने धर्म, अपने अपने धर्म को अपनाए, एक खास धर्म को फोकस करने से क्या हो जाएगा? ऐसा फोकस करने वाली बात तो नहीं है। जहाँ पे जैसे अगर मान के चलिए, जो आप जैसे ने बोला कि आपने इस्लामिक देश है, आज सऊदी अरब है या यूएई है, चाहे और भी देश है, जो कि मतलब उनकी इकोनॉमी इंडिया से बहुत बेहतर है, लेकिन वो ड्यू टू इस्लामिक राष्ट्र नहीं, इस्लामिक राष्ट्र होने के चलते वो उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। मतलब अफगानिस्तान अगर एक इस्लामिक राष्ट्र है तो उसकी इकोनॉमी कहाँ है? तो एग्जांपल दोनों तरफ है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि एग्जांपल दोनों तरफ, उसने बहुत सारी लिबर्टीज दी हुई है। अगर यूएई में ऐसा है, दुबई में ऐसा है, या मैं बोल रहा हूँ भारत में भी, अगर मान लो अगर मैं जो हिंदू राष्ट्र की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं, जो हमारे साधु संत लोग जो परिकल्पना कर रहे हैं, उसमें किसी अल्पसंख्यक को या दूसरे समुदाय के लोगों को किसी प्रकार का कोई हम राइट्स में या उनके किसी प्रकार के उनके धर्म में हस्तक्षेप करने की बात नहीं हो रही है। वो जैसे जी रहे हैं या जो जैसा चल रहा है वो वैसा चलता रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है, चूंकि चुनाव आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और राजनीतिक स्टंट की बात ये है कि आज ठीक है मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि, लेकिन आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले संतों द्वारा एक पदयात्रा निकाली गई थी, जिसमें जसपुर से वो पदयात्रा निकली थी और रायपुर तक के वो पदयात्रा चली थी, रायगढ़ भी जिसमें शामिल था। आज वहाँ पे जब महासभा का आयोजन किया गया रायपुर में, तो वहाँ संतों द्वारा ये आह्वान किया गया कि 2 साल के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करेंगे करते।
तो आज उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि आज हिंदू राष्ट्र के लिए जब हमारे जो धर्म गुरु हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम एक अपनी आहुति क्यों नहीं दे सकते इस चीज में। और आपको बता दूं कि पिछले कुछ एक हफ्ते से मैं इसमें वर्किंग कर रहा हूं और 1000 से अधिक पोस्टकार्ड मुझे प्राप्त हो चुके हैं और भी लोग इंटरेस्टेड है जुड़ने के लिए और दूसरे जिलों से भी लोग मेरे पे संपर्क कर रहे हैं कि भैया ये अभियान हम भी चलाना चाहते हैं और मतलब आज ये सफल आयोजन है। और ये अगर ये राजनीतिक आयोजन होता तो मेरे से जुड़ने के लिए लोग हिचकिचाते, तो एक धार्मिक आयोजन के हिसाब से इसको देखे और एक व्यक्तिगत तरीके से देखे तो मेरे को लगता है ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस ने कहा है कि जब जब चुनाव आता है तब तक भाजपा और भाजपा के लोगों द्वारा इस तरह का स्टंट किया जाता है। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्टंट कैसा है, इसमें स्टंट क्या है, इसे क्या फायदा मिलेगा। कांग्रेस पहले इस बात को स्पष्ट करे कि अगर मान लो हिंदू राष्ट्र की अगर हम डिमांड कर रहे हैं, अगर हिंदू हमसे इस चीज में पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को लिख रहा है तो ये राजनीतिक स्टंट कैसे हुआ, इससे हमको राजनीतिक क्या फायदा मिलेगा। चुनावी चुनाव में ध्रुवीकरण होगा, उससे फायदा मिलेगा भाजपा को। छत्तीसगढ़ में मेरे को लगता है कि ऐसा ध्रुवीकरण वाला कोई ऐसा सीन किसी भी विधानसभा में नहीं है और छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य है और सब पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ गांव के लोग भी सब समझदार हैं और बस ये हमारी एक छोटी सी मुहिम है ताकि हम अपना अधिकार और चीजें थोड़ा सा अच्छे से डिमांड कर सके और खुल के रह सके। जैसे कई आज जैसे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में ये तकलीफ नहीं हो, लेकिन पूरे देश के कई जगह ऐसे हैं जहाँ आज भी बाहुलता होने के बाद भी भय में लोग रह रहे हैं। भाई आज बाहुलता होने के बाद अगर उनको भय है तो उस चीज का एक पॉइंट हम पकड़ सकते हैं कि कम से कम उस चीज में हमको रिलीफ मिले। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि जो जुलूस निकलते हैं या जो धार्मिक आयोजन होते हैं उस पे जो पाबंदियां हैं, समय की पाबंदियां थी, यूपी में योगी जी के आने के पहले अखिलेश जी के समय में होली के समय पाबंदियां थी, कुछ पाबंदियां उसमें जो न्यूज वगैरह में हमने जो देखा, आज वो पाबंदियां नहीं है। तो एक हम ये चाह रहे हैं कि भाई आप भी अपने त्यौहार को अच्छे से मनाएं, हम भी त्यौहार अच्छे से मनाएं, हमारे ऊपर भी जो पाबंदियां हैं थोड़ी रिलैक्सेशन मोड पे हो, क्योंकि तो बाहुलता है बस कि भाई आज मान लो होली का त्यौहार है, आज 80% जनसंख्या अगर उसको मना रही है तो एक थोड़ा सा उसमें हमको रिलीफ मिले और कुछ कठिनाइयां नहीं हो। हमारा मोटो हिंदू राष्ट्र के प्रति ये है, किसी को परेशान करना या किसी दूसरे समुदाय के लोगों को परेशान करना ये मंशा किसी भी हिंदू की आज तक नहीं रही है। आप देखे होंगे कि कभी भी किसी दूसरे धर्म के कोई भी आयोजन में कोई मतलब किसी प्रकार का झगड़ा झंझट नहीं होता है, क्योंकि हिंदुओं की वो मानसिकता नहीं है कि झगड़ा झंझट करे। तो धन्यवाद शक्ति जी आपको। और हमने इस मुद्दे पर कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं, शहर जिलाध्यक्ष, उनसे भी बात की, सुनिए वो क्या कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशेष समाज की भावनाओं को जागृत करके उसको वोटों की राजनीति में तब्दील कर देना चाहती है। हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान का ये लोग सीधे सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं। यदि आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संसद में आपके बहुमत है, राज्यसभा में आपका बहुमत है, आप एक प्रस्ताव पारित करके संविधान के अनुसार हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दे। लेकिन इनको ऐसा कोई कार्यवाही करनी नहीं, इनको केवल राजनीतिक लाभ लेना है करके इस तरह के होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करने में बहुत ही ज्यादा आगे है। लगातार ये हिंदू मुसलमान करके, ये पाकिस्तान की बात करके, ये छदम भय दिखाकर भारत की जनता में भय पैदा करना चाहते हैं। आज कोई भी राष्ट्र जो एक विशेष धर्म के आधार पर चल रहा है वो कभी विकास और विकसित नहीं हो पाया है। आप हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को देखेंगे जो हमारे साथ ही स्वतंत्र हुआ था, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है। धर्म निरपेक्ष राज्य की कल्पना करना, कल्पना को पूर्ण करने कांग्रेस ने अपने हजारों नेताओं की आहुति दे दी, लेकिन ये उस समय भी
इस राष्ट्र में हिंदू मुसलमान करके राज करना चाहते हैं और आज भी इसी एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ये चुनावी स्टंट स्पष्ट रूप से दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब हर जगह हिंदू मुसलमान के दंगे कराकर सत्ता में आना चाहती है। विकास की बात क्यों नहीं करते हैं ये, महंगाई की बात क्यों नहीं करते हैं ये। एक ऐसा भी बोर्ड लगाए, माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखे कि महंगाई को कम किया जाए, डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाए, रसोई गैस के काम दाम कम किए जाए, खाद्यान्नों के दाम कम किए जाए, इस देश को बेचने का काम रोके करना चाहते हैं। और मेरा तो स्पष्ट कहना है कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधाराओं का सीधे सीधे रूप में भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। तो आपने सुना कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी इस मसले पर क्या प्रतिक्रिया है? सबसे बड़ा धर्म, धर्म को लेकर के विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से उसको डिफाइन किया है। कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म एक अफीम है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि धारयत सह धर्म, जिसको धारण करने जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। राधा कमल मुखर्जी लिखते हैं कि धर्म नैतिकता का उच्चतम सोपान है। किसी ने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी ऐसी सत्ता पर विश्वास करने लग जाए जो विद्यमान नहीं है, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जिसे सर्वशक्तिशाली माना जाए और लोग उसके कथित निर्देशों का पालन करने लगे, तो वो धर्म है। ऐसे में धर्म का इस्तेमाल राजनीति में हो या न हो, इस पर भी कई लोगों के अलग अलग विचार हैं। अभी सभी विचारकों को इसमें समाहित करना थोड़ा मुश्किल है और इसके लिए हम अलग से वीडियो भी बना सकते हैं, बनाएंगे कि धर्म और राजनीति का घालमेल आखिर लोगों को कहां पहुंचा देता है या कई देशों को उससे कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन आज जब यहां पे इस तरह की मुहिम शुरू हुई है तो जाहिर सी बात है लोगों ने अपने अपने तरह से अलग अलग रूप से प्रतिक्रिया दी है। कोई राजनीतिक तौर से प्रतिक्रिया दी है, किसी ने सामाजिक और धार्मिक ढांचे को, आर्थिक ढांचे को भी अपना आर्थिक ढांचे को लेकर के भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो दीजिए हमें इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपको मुनादी चौपाल में ही। और हमारे इस वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। धन्यवाद।